नमस्ते, सब हमको नूनू कहते हैं, लेकिन आज जो हमने किया है इसके बाद चाचा भी हमसे पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर लेते नूनू। ठीक है, तो हम जो है आए हैं मिलिट्री बेस और खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, लेकिन देखिए जो होता है हमारे साथ वो नहीं होता है चाचा के साथ, यानी कि हमारे साथ आई है बहुत सारी स्क्वाड और हम अकेला लड़ेंगे इनसे और देंगे इनकी फाड़। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे साइड में उतरे भैया, डर सबको लगता है, जरूरी भी है, और सबसे पहले बंदूक बंदूक लेकर के निकलते हैं, उसके बाद M16A4 हमारा फेवरेट गन बिल्कुल नहीं है, जैसे हमको हमारा फेवरेट गन मिलेगा उसके बाद हम जो है एकदम कूच कर देंगे लाउंडो के ऊपर में। ठीक है, हाँ, तो हम UMP-45 के तलाश में एकदम लग गए और देखिए हमको यहाँ पर सामने में वो मिल गए। चलिए आप भिड़ते हैं। तो लूट उट करने के बाद यहाँ पर हमने देखा बिल्डिंग से आ रही थी कोई आवाज, और यहाँ पर टंगड़ी कहाँ है, कौन है जी, आवाज तो कर रहा था, अभी हमारे आते एकदम शांत हो गया। हे देखिए, हे दिख 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 दिख, कहाँ भाग रहा है, हे हीरो इधर आओ, मारे हुल्की मार रहा है वो, तुम इंतजार कर रहे थे क्या। तो यहाँ पर हम लकी साबित हुए, कहे कि लाल टोपी वाले भाई साहब, अरे रास्ता दो रास्ता दो। हाँ, तो ये लाल टोपी भाई साहब जो है ये हमारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पर ये लोग जो है जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं अपने मित्र को, ताकि हमारे सूचना दे सके कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे और हम जो है इनके मित्रों को समाप्त तो भवा करने के बाद, आए हुल्की मारता है डेविल, शर्म नहीं आती तुमको, आए ये अभिल, भाग कह रहा है, भाग कह रहा है तू, चल मुक्ति लेके जाओ। हाँ, अच्छा, तो इनका बचा हुआ चौथा जो है आ गया है, और जैसे गेट खोला लेकिन अंदर नहीं घुसने वाला। अच्छा, ये भागने वालों में से है, ठीक है, भागो भागो, कहाँ तक भागोगे, आए हम यहीं पर हैं, हमको जो है यहाँ, अरे बाप रे, इसके हाथ में शॉटगन है, ये हम देख लिए, देखिए आजकल हमको शॉटगन से बहुत डर लगता है, 17 एकदम ढूंढी में गोली मार देता है और हम वहीं पर चित हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको बस करना ये है कि उससे दूरी बनाए रखना है, जैसे वो पास में आएगा तो 17 दिक्कत हो जाएगा एकदम, अकेला जान है, कभी भी लूट लिया जा सकता है कि नहीं। तो ये सोचकर हम थोड़ा सा दूर से जो है इसके ऊपर निशाना, अजय भाई साहब, अरे अजय, बाप रे बाप, हमारे ऊपर में बस गोली चलाएंगे तू, बाप रे बाप, ये लगभग HP खा गए हमारा। ठीक है, हम पहले यहाँ पर करेंगे हील और उसके बाद करेंगे आपके साथ में डील। ठीक है, हाँ, ओ पत्थरबाजी कर रहे हैं हमको मारने के लिए, हाँ सब समझते हैं आपकी नियत, हाँ कहाँ पर, चलिए आइए, तो आप तो ये हमारे बगल, हाँ अच्छा, हाँ चलिए प्रो सुमित भाई साहब को हमने यहाँ पर चीत कर दिया। ठीक है, फिनिश। हाँ, तो यहाँ पर मिलिट्री बेस का माहौल बहुत गंदा हो गया है, बगल में जो स्क्वाड लड़ रहा था वो आ गया हमारे पास में और आते ही दूसरे स्क्वाड से भिड़ गया, अरे बाप रे बाप, सबको हरा गैस निकाल दिया, हो भाई साहब ठीक है, हमारी बारी, अब आ गए हम भी मैदान में, थोड़ा दिखिए जनाब क्या हो गया, आए सब छुपे बैठे हैं खा के पान, ठीक है राइमिंग हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि भाई साहब एकदम जो है ना एकदम पुतला बन के चुपचाप से बैठ गए, अब हमको जाने में बहुत डर लग रहा ससुर कि हम अगर पास में जाएंगे तो हमको चित ना कर दे, निपटा ना दे। ठीक है, देख लीजिए टांगड़ी का निशान एकदम हमको बराबर आ रहा था, और इतने में हम क्या देखते हैं इनका दूसरा मित्र हमको दूसरी तरफ से घेरने जा रहा था और हमने उसको बीच में ही तोड़ दिया। बताइए, एकदम हमको घेरना चाह रहे थे, तो ये भाई साहब जो है अभी भी वहीं पर एकदम चुपचाप से खड़े हैं, इनको मारने के लिए हमको कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो हमने इतने में देखिए बॉट आ गया जिसको हमने बहुत मारा, और फिर इनका करने लगे इंतजार, क्या करते हैं, निकल के आते हैं कि नहीं आते हैं, ससुरा हमको लग नहीं रहा है ये आने वाले हैं, और इससे पहले कि हम कहीं और से पिट जाए तो हमको इधर से निकलना पड़ेगा, ये बॉट का किल, ऐ भाग गया ससुर बॉट। हाँ, तो यहाँ पर हालात कुछ ऐसा है कि और भी टीम है मिलिट्री बेस में, गोलियों की आवाज़ तो वो सुन चुकी है, अगर हम इनसे लड़ने में थोड़ा सा भी समय, देख लीजिए हमारे ऊपर निशाना लगाए बैठे थे, नहीं नहीं इनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, देखिए हुल्की मार रहे हैं, तो बाप रे बाप, लगभग HP हमारा खा गए जी। हाँ, लेकिन फिर भी हमने उनको निपटा के ये स्क्वाड को फिनिश कर दिया। तो मिलिट्री बेस की कहानी हो चुकी है समाप्त, और हम आ चुके हैं पोचिंग की, और आते ही क्या देखते हैं साइकिल वाले भाई साहब यहाँ पर साइकिल लगाकर आगे निकल लिए हैं।
ठीक है, घुसते तो हमने देख लिया था, अब हम भी घुसेंगे बंदूक लेकर के। तो हम सीधे इनके घर के पास वाले जो है पड़ोस वाले घर में घुस गए। लेकिन हम घुसने के साथ यहाँ पर नोटिस क्या करते हैं कि वो भाई साहब को पता चल गया है कि हम यहाँ पर आए हैं। तो अब उन्होंने यहाँ पर पत्थर मारने का जो है इंतजाम कर लिया है हमारे ऊपर। कहाँ है भाई साहब आप? हाँ बिल्कुल टंगड़ी का निशान नहीं दे रहे हैं, एकदम बैठ गए हैं चुपचाप। हाँ तो हम क्या देखते हैं, ए देखिए यहाँ पर है भाई साहब। अरे 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 ठीक है ठीक है, इतना क्यूट मत बनिए, आई इतना क्यूट बनिएगा एनिमी तो कैसे काम चलेगा, हम तो चुम्मा लेकर भाग जाएंगे आपका। बस बाप रे, सर पे कूद गए थे हमारा। आए बताइए, हम आपको उंगली का पकड़ने दिए, आप तो हमारे सर पे कूद के नाचने लग गए थे। हाँ बताइए क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? हाँ जो कि हम अकेले हैं तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो इसलिए हम आपको मार मुक्का मुक्ति दे देंगे। काहे कि आपके अपने टीममेट को बुला लीजिएगा तो समस्या हो जाएगा। तो जैसे हम इनका डब्बा लूटने लगे, इतने में हमको पता चला कि इनके बचे हुए मित्र जो है वो आ गए हैं। बाप रे बाप, थोड़ा देर के लिए बचा, और देखिए हुल्की मार रहे थे। हाँ तो हमने इनको दुलती मार दिया। ठीक है तो इनको दे दिया एकदम मुक्ति। चलिए बहुत सारा लूट भी हमको मिल गया है, अब चलते हैं। हाँ तो पोचिंकी से निकलने के बाद जब हम अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे, इतने में एक ठो गाड़ी वाले हमको देख लिए और घुमा कर गाड़ी हमारे पीछे आने लगे। आप ससुर हम डर के मारे जल्दी से घर के पास में ले लिए, कहा कि हम भैया गाड़ी चलाए कि गोली मारे, हम समझ नहीं आ रहे, मतलब अभी भागे कहाँ जा रहे ससुर अब? अच्छा हमको डर लगा रहे थे अभी अब भाग रहे हैं? नहीं लेकिन भागे नहीं है, वो गाड़ी घुमाकर जो है ना हमारे पास में आ रहे हैं। तो हम भी बोले ठीक है हम तैयार हो जाते हैं, आइए उसके बाद आपको हम दंडनाते हैं। इतने में हम देखते हैं सफेदी का धोती लटके, बस। हाँ तो नेहल भाई साहब को हमने दिया है यहाँ पर चित्कर, लेकिन इनके जो मित्र हैं वो यहाँ पर आक्रामक हो गए और देखिए पत्थरबाजी करने का कोशिश किए हैं, लेकिन नहीं आगे नहीं आएंगे। अच्छा स्मोक मारे थे ये, ठीक है कोई बात नहीं, आइए तो जरा पत्थर, तो हमको लगा ये पत्थर मारे हैं हमारे ऊपर, लेकिन नहीं ये स्मोक मारे थे और हम आ गए इनके पास में कि इनको ढोड़ी में सटा के गोली मारेंगे हम। लेकिन क्या देखते हैं कि भाई साहब पत्थर मारकर भाग गए हैं। बाप रे, अच्छा हम घुसे नहीं, नहीं तो हम फूस जाते। इधर से निकल रहा है, ठीक है चलिए तो हम इनको दूसरे रास्ते से मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनका मिशन जो है कुछ और ही है, इनको बस अपने टीममेट को रिवाइव करना है, हमारे अकेले के साथ 1v1 नहीं करना है। ठीक है फिर कोई बात नहीं, हम दोनों के साथ 1v2 कर लेंगे। तो हम इनको ढूंढने लगे और ये हमको मिलने नहीं लगे। बताइए ये कहाँ जाकर छुप गए हैं? सचो हमको समझ नहीं आ रहा था, हम पूरा कन्फ्यूजन में एकदम पड़ गए कि अचानक से ये लोग गए तो गए कहाँ। लेकिन इतने में पता चला कि बगल में है और हम घर में घुसने का कोशिश किए, लेकिन बाप रे बाप, बस अभी अजीब सा नाम है इनका हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर बस हो गया। लेवल 3 का हेलमेट पहन के हमको डराइएगा? आए चलिए तो इन दोनों को भी हमने मजा चखा दिया कि नूनू को नहीं डराते हैं ऐसे, क्या बुझे बुर्बक। तो अपार्टमेंट फिनिश करने के बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी में जैसे घुसे हम देखे कि पूरा स्क्वाड हमारे ऊपर रस कर दिया। अरे बाप रे बाप, अकेले जान को कितना सताओगे यार, ठीक है पूरा स्क्वाड हमारे पास में आया है। और इतने में पता चला कि कोई पत्थर खींचा फेंका, ऐसा तो भाग कहाँ रहे तुम, पत्थर मार के भागोगे? तुम भी लो। हाँ चलिए पूरा टीम है इनका। हाँ बहुत बढ़िया, मशीन गन चलाओगे तो ए लो, तेरा टंगड़ी में गोली मारेंगे हम। आ चौथा कहाँ है? तो हम चौथा को जैसे ढूंढ रहे थे, इतने में देखा ये रिवाइव कर रहे थे। बाप रे बाप, बच गए हम और पूरा स्क्वाड को हमने फिनिश कर दिया यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए तो हमारा सब चीज मुंह में आ गया था, मतलब ठीक है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम 4 बचे थे, इतने में हम क्या देखे कि हम छिप कर चुपचाप बैठे थे और 2 सीधा हमारे ऊपर आ गए। ठीक है तो जैसे आए तो भैया अब हमको लड़ना पड़ेगा, इतने में हमने दिया बस। अरे बस चल भाई साहब, बाप रे बाप, तो जिस प्रकार से ये दोनों हमारे ऊपर आए थे रस करने के लिए, इनको जरूर हमारा यहाँ का ठिकाना का जानकारी कोई मुहैया करवाया होगा एकदम। हाँ ये बात एकदम पक्का है। चलिए अब यहाँ पर बचा है 1। हाँ तो बहुत देर इंतजार करने के बाद वो 1 भाई साहब हमको दिखे नहीं, तो हम यहाँ पर गाड़ी में बैठ कर जैसे निकलने लगे, इतने में हमारे ऊपर फायर करने लगे भाई साहब। बाप रे बाप, हाँ ठीक है ठीक है, हम नहीं जा रहे गाड़ी से, लगता है उनका गाड़ी हमने उठाया होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है एकदम। कहाँ पर से गोली चला रहे थे ये? देख लीजिए सैंक के पीछे से, हाँ सब समझते हैं।
तो ये नहीं आने वाले हैं, हम बहुत इंतजार किए, हम सोचे कि ये नहीं आएंगे तो हम ही इनके पास जाते हैं, निकाल स्मोक हमने मार दिया है और जैसे स्मोक होगा हम निकलेंगे और इनके पास में जाएंगे, ठीक है। इतने में पत्थर मारने का कोशिश कर रहे हैं बहुत दूर से और हमने दिया इनके सर पर गोली मारकर चिकन डिनर हासिल कर लिया। और चाचा को देख लीजिए चाचा, हमने चिकन डिनर कैसे निकाला है, वो भी 20 किल के साथ में, खतरनाक है कि नहीं चाचा से जबरदस्त गेम प्ले, हमारा ज्यादा लाइक होना चाहिए चाचा के वीडियो से। बाद बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या कहते हैं जी, बाय बाय।